आज हम सीखेंगे इंडियन फ्लैग को किस तरह से बांधा जाता है और बांधते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उसी चीज़ को आज सीखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स बिगिन। आज हम सीखेंगे इंडियन फ्लैग को किस तरह से बांधा जाता है। यह हमारे सामने है हेड कांस्टेबल युवराज राय, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ऐसा है चंचल सिंह, और हमारे बीच है ये झुमकेरी राम। तो सब मिलके फ्लैग को बांध रहे हैं। देखिए आप किस तरह से फ्लैग को बांधा जाता है, ध्यान से देखिए। ये राय सर मिला रहे हैं कि रस्सी एक का पर फंसा तो नहीं, ये इंश्योर कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये देखिए रस्सी का एक छोर को लेके सबसे पहले गार्ड बनाते हुए केसरी कलर पर बांधेंगे, क्योंकि केसरी कलर सबसे ऊपर रहता है। तो उसमें फंसाते हुए इस तरह से टाइट करके एक दो बार उसको जैसे भी चेक कर लेना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए ताकि बाद में तानते समय खुल ना जाए। तो उसको इंश्योर कर रहे हैं, दो तीन बार तान के देख रहे हैं कि खुल ना जाए। उसके बाद और दूसरे छोर से ग्रीन कलर पर बांधेंगे दूसरे छोर को। तो उसको भी गार्ड बनाते हुए और रस्सी को भी देखते रहना चाहिए, एक दूसरे में फंस ना जाए, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा अगर। तो इस तरह से ग्रीन एक केसरी पर और नीचे एक ग्रीन पर गार्ड बनाते हुए फंसा के राय सर टाइट कर रहे हैं इस तरह से, और एक दो बार वो तान के देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि ठीक तरह से बांधा है कि नहीं, ताकि बाद में खुल ना जाए। ये इंश्योर करने के बाद तो फ्लैग को अब इस पर फूल चढ़ाएंगे। तो फूल किस तरह से डालते हैं आप उसे भी ध्यान से देखिए। तो फ्लैग को खोलने के बाद सबसे ऊपर में होगा केसरी, तो केसरी को ऊपर ही रखा जाता है। तो केसरी को ये लोग ऊपर रख रहे हैं राय सर। अब देखिए केसरी को ऊपर रखते हुए केसरी और वाइट का जो बीच का जो सिलाई है उसी को पकड़ते हुए एक छोर से ये कोना में पकड़ते हुए उसको इस तरह से फोल्डिंग करें, एक और नेक्स्ट, फिर वाइट का कोना को फिर इस तरह से दो, उसके बाद लास्ट ये तीन, ग्रीन का छोर को लास्ट के पकड़ के इस तरह से फोल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसमें बीच में जो अभी फूल चढ़ाएंगे जो गैप है, मगर ध्यान देने वाली बात है फूल वाइट पर मत डालिएगा, क्योंकि फूल का कलर वाइट में लग के ख़राब हो जाता है। इसलिए जो फूल डालेंगे तो आप सिर्फ ग्रीन और केसरी रंग पर फूल चढ़ाइए। और फूल डालते समय ध्यान देने वाली बात है फूल को फैला के डालिए, एक जगह में गुट्टा होने मत दीजिए, क्योंकि बाद में अगर रस्सी से बांधेंगे तो ऐसा ना हो कि बाद में टाइट हो के वो फंस जाए। इसलिए फूल को अच्छी तरह से फैला के डालिए ताकि आपको लास्ट में जब तानते समय फूल फंस ना जाए और आराम से खुल जाए। तो इस तरह से वो ग्रीन छोर में डाल रहे हैं और वाइट को छोड़ते हुए केसरी में भी वो फूल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से फैला के अच्छी तरह से डालना चाहिए और वो फैला रहे हैं। तो वाइट में नहीं डालना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद फूल को बराबर करके मिला रहे हैं इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है जानना फ्लैग को किस तरह से फोल्ड किया जाता है। उसके बाद वो मिला रहे हैं, देखिए अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए, एक जगह में जमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी छोर से मिलाते हुए राय सर, और अभी देखिए किस तरह से फोल्ड किया जाता है। ये ग्रीन को ऊपर रखते हुए दोनों तरफ से टाइट से तान के अभी फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्डिंग करें, कभी ग्रीन कभी केसरी को ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्डिंग करके पीछे तरफ से आए रस्सी का तरफ। देखिए उसको फोल्डिंग करते समय ध्यान देने वाली बातें कहीं फंस ना जाए, सुंदर से उसको फोल्डिंग करें। और ये एंडिंग, इसमें ध्यान देने वाली बातें जो आप रस्सी को खींचेंगे वो ग्रीन वाला से ही बांधना चाहिए, केसरी से नहीं बांधना चाहिए, ग्रीन से बांधना चाहिए। उसको ध्यान देने वाली बातें ग्रीन से ही बांधना चाहिए। अब देखिए ये ग्रीन रस्सी से ही बांध रहे हैं
बहुत ध्यान से बांधना चाहिए, इसमें बहुत होशियार रखना चाहिए। अगर आपका रस्सी फंस जाए तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, खुलेगा नहीं। कभी कभार क्या होता है कि बारिश आ जाता है, उसी की वजह से रस्सी टाइट भी हो जाता है। हाँ, और एक बात, इसमें जो फ्लैग में जो रस्सी जो यूज़ करने वाले, इसमें नायलॉन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये कॉटन का होना चाहिए, उसी से ही फ्लैग को बांधा जाता है। तो इस तरह से बांध कर आप एक घाटी मार के इसको टाइट करना ज़रूरी है। तो अब देखिए, उसका छोर को बांधने के बाद उसके जो लाश है उसे किसी अंदर में कपड़ा में इस तरह से फंसा देना चाहिए, और बांधने के बाद एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि वो खुलता है कि नहीं। डायरेक्ट कभी नहीं चलाना चाहिए। देखिए, अभी राय सर अभी एक बार ट्राई करेगा, एक बार ट्राई करके तभी उसको फिर एक बार तान के देख रहे हैं। इस तरह से तानते ही ये खुल जा रहा है, देखिए। तो उसको एक बार जैसे भी इंश्योर करें और फिर एक बार बांधिए, आप डायरेक्ट बांध के ऊपर मत चला दीजिए। तो ये था बांधने का तरीका। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये दो रस्सी में से आप किसको खींचेंगे और किसको नहीं, वो पता लगने के लिए एक रस्सी में रिबन बांधा जाता है। अब देखिए राय सर एक रस्सी पर रिबन बांधेंगे ग्रीन कलर का, तो उसी को वीआईपी को देंगे और उसी को खींचेंगे। तो ये एक सेफ्टी मेजर के लिए ये ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं फ्लैग का सबसे ऊपर पोल में एक व्हील होता है, जो बाहर से रस्सी आते हैं उसमें फ्लैग का सेफ्रॉन वाला हिस्सा को बांधा जाता है, और जो अंदर से आते हैं उसे ग्रीन वाला हिस्सा में बांधा जाता है, और ग्रीन वाला रस्सी से ही फ्लैग को बांध कर वीआईपी आके उसी को तानते हैं, तब फ्लैग अनपोल होते हैं। छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंदिरा गांधी पार्टी का
लोगों को लग रहा है।